तो हाइड्रोस्टेटिक बेयरिंग एंड हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग के बारे में आपने जो ब्रीफली देखा कि हाइड्रोस्टेटिक बेयरिंग क्या होता है एंड हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग क्या होता है, दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग आते हैं हाइड्रोलिक जैकिंग सिस्टम पे पुनः दोबारा। हाइड्रोलिक जैकिंग सिस्टम में आपका एक एसी जीओपी होता है पंप, और एक आपका डीसी जीओपी पंप होता है। दोनों आपका ऑयल का जो सक्शन होता है वह एमओटी टैंक से ही लेता है। ठीक है, देखिए एसी जीओपी हो या डीसी जीओपी हो, इसमें से कोई एक ही जीओपी सर्विस में रहता है और सेकेंड वाला आपका जो है स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। इसका एसएलसी हम लोग ऑन करके रखते हैं। डेली आपका इसका प्रेशर जो होता है 170 से 175 केजी हम लोग सेट करके रखते हैं। तो जीओपी हम लोग कब रिक्वायरमेंट होता है जीओपी का, जब आप स्टार्टअप करते हैं एंड आप शट डाउन करते हैं, इस दोनों जगह मींस जब आपका टरबाइन का स्पीड कम रहता है उस कंडीशन में आपको हाइड्रोलिक जैकिंग सिस्टम का जरूरत पड़ता है। क्यों जरूरत पड़ता है, ताकि आपका रबिंग ना हो और उसमें आपका बेयरिंग का सरफेस डैमेज ना हो। सेकंड, आपका जो हाइड्रोलिक टर्निंग गियर है उसको भी ज्यादा टॉर्क लगाना ना पड़े टरबाइन को रोटेट करने के लिए। तो इसका कटिंग कटआउट क्राइटेरिया देखते हैं क्या होता है। देखिए स्टार्टिंग में जब आप शटडाउन सॉरी स्टार्टअप कर रहे हैं, तो स्टार्टअप केस में आप आरपीएम आपका बारिंग पे है, तो बारिंग पे डालने से पहले आपका जैकिंग सिस्टम हेल्दी होना चाहिए। जब तक जैकिंग सिस्टम ओके ना हो तब तक आपको बारिंग में डालना नहीं है। बारिंग में आपने डाल दिया, जैसे ही इसका स्पीड 540 आरपीएम, याद रखिएगा दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 540 आरपीएम पे टरबाइन का स्पीड पहुंचता है, आपका जो भी उस समय जीओपी कटिंग था वो आपका कट आउट हो जाता है। 540 आरपीएम पे आपका एसी जीओपी हो या डीसी जीओपी हो वो कट आउट हो जाता है। ये रखा गया क्यों कि 540 पे कट आउट क्यों होता है। देखिए हाइड्रो स्टेटिक बेयरिंग उस समय एक्शन मोड में रहता है, 0 आरपीएम से लेकर 540 आरपीएम तक जितना भी 7 नंबर ऑफ बियरिंग्स है टरबाइन एंड जनरेटर मिला के सारे में आपका हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग काम करता है। हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप उस समय आपका एसी जीओपी या डीसी जीओपी को चला के एक्सटर्नल प्रेशर लगा के आप टरबाइन के साथ एंड बियरिंग के बीच में आप गैप बनाते हैं और वहां पे आपका रोटेट करता है और चारों तरफ यूनिफॉर्म ऑयल फिल्म थिकनेस बनता है। 540 आरपीएम के बाद देखा गया कि टरबाइन का आरपीएम इतना सफिशियंट हो गया है कि खुद से वो ऑयल फिल्म थिकनेस बना सकता है वो, और उसके बाद आपका हाइड्रोडायनेमिक जनरल बेयरिंग एक्शन में आता है। हाइड्रोडायनेमिक जनरल बेयरिंग में आपने क्या देखा कि उसका जो ऑयल फिल्म थिकनेस जो होता है वो डिपेंड करता है 3 फैक्टर पे, आपका रिलेटिव मोशन बिटवीन द जनरल एंड द बियरिंग, सेकेंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एंड थर्ड कन्वर्जिंग ज्योमेट्री मींस डायमीटर ऑफ द जनरल एंड द बियरिंग पे। तो 540 आरपीएम के बाद आपका टरबाइन का आरपीएम इतना सफिशिएंट हो जाता है कि खुद से वो ऑयल फिल्म थिकनेस बना सकता है और वो ऑयल फिल्म थिकनेस उस लोड को कैरी कर सकता है। इसलिए स्टार्टिंग में अगर शुरू में हम अगर जीओपी नहीं चलाएंगे और आप टरबाइन को रोटेट करते हैं तो स्टार्टिंग में चूंकि आरपीएम बहुत ही कम रहता है, आरपीएम कम रहने के कारण क्या होता है कि ऑयल फिल्म थिकनेस नहीं बन पाता है बिटवीन द आपका बेयरिंग सरफेस एंड द टरबाइन शाफ्ट सरफेस पे। तो ऑयल फिल्म थिकनेस नहीं बन पाने के कारण आपका क्या होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा बढ़ता है, आपका दोनों के बीच फ्रिक्शन बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाता है, आपको रब करने का भी बेयरिंग सरफेस रब करने का भी चांस रहता है। तो हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग जहां भी हम लोग यूज करते हैं वहां पे सबसे पहले हम लोग एक एक्सटर्नल पंप लगा के दोनों के बीच हम लोग एक ऑयल फिल्म बनाते हैं। जब सफिशियंट आरपीएम आ जाता है तो फिर हम लोग हाइड्रो स्टेटिक बेयरिंग को कटआउट करवा देते हैं, जो भी पंप चल रहा है तो उसको कटआउट करवा देते हैं और फिर हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग ऑटोमेटिक आते रहता है। फिर देखिए ट्रिपिंग कंडीशन में जब आपका शट डाउन होता है, जब मान लीजिए कि आपका 3000 आरपीएम पे चल रहा था टर्बाइन, अब आपका टर्बाइन ट्रिप कर गया, आपने टरबाइन का शट डाउन कर दिया, तो शुरू में आरपीएम तो ज्यादा है, हाइड्रोडायनेमिक फिल्म
एक्शन में आपका आरपीएम के कारण आपका फिल्म बन रहा है, जैसे जैसे आरपीएम कम होता जाएगा तो फिल्म का जो थिकनेस कम होता जाता है। तो उसमें देखा गया कि जैसे ही 3000 आरपीएम से घट के टरबाइन का स्पीड 510 आरपीएम पे आता है, 510 आरपीएम पे, तो आपका एसी जीओपी पे कमांड जाता है भाई कट इन हो जाओ, अब ऑयल फिल्म थिकनेस आरपीएम के कारण नहीं बन पा रहा है। तो 510 आरपीएम पे आपका एसी जीओपी कट आउट होता है। अगर ये कट इन तो डीसी जीओपी कट इन होता है। 510 आरपीएम पे आपका जैकिंग ऑयल सिस्टम कट इन होता है और फिर आपका एक्सटर्नल पंप लगा के हम लोग ऑयल फिल्म थिकनेस बनाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि कट इन एंड कट आउट क्राइटेरिया क्यों दिया गया है और हाइड्रोस्टेटिक बेयरिंग एंड हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग में कैसे चेंज ओवर होता है। इंटरलॉक प्रोटेक्शन हम लोग देखते हैं कि एसी जीओपी के पास ऑटो स्टार्ट कमांड कब जाएगा। एसी जीओपी के पास ऑटो स्टार्ट कमांड कब जाएगा, जब आप एसएलसी उसका ऑन रखते हैं, एसएलसी ऑफ एसी जीओपी ऑन एंड टरबाइन स्पीड लेस देन 510 आरपीएम। टरबाइन का स्पीड जैसे ही लेस देन 510 आरपीएम होगा तो ऑटो स्टार्ट कमांड जाएगा। ये कंडीशन कब के लिए है, जब आपका टरबाइन ट्रिप करता है और जैसे ही टरबाइन का स्पीड 510 आरपीएम से कमेगा, एसएलसी अगर ऑन है तो आपका एसी जीओपी में स्टार्ट कमांड जाएगा। ठीक है, ऑटो स्टॉप कमांड कब जाएगा, पहला कि एसएलसी ऑन है एंड टरबाइन का स्पीड आपका मोर देन 540 आरपीएम है, ये आपका स्टार्टअप कंडीशन है। जब आप टरबाइन को स्टार्टअप कर रहे हैं और टरबाइन का स्पीड जैसे ही 540 आरपीएम को क्रॉस करता है तो इसमें ऑटो स्टॉप कमांड जाएगा एसी जीओपी में। ठीक है, एंड सेकेंड है डीसी जीओपी ऑटो ऑन हो गया। मान लीजिए कि प्रेशर कम हो गया और प्रेशर कम होने के कारण अगर डीसी जीओपी ऑटो ऑन हो गया, कमांड फ्रॉम द अगर स्टार्ट कमांड चला गया इसमें और डीसी जीओपी स्टार्ट हो गया तो ये ऑटो स्टॉप कमांड इसमें चला जाएगा, क्योंकि एट ए टाइम एक ही जीओपी सर्विस में होना चाहिए नहीं तो हाई प्रेशर लाइन हो जाएगा। ठीक है, परमिट स्टार्ट कब, जब आपका डीसी जीओपी ऑफ फीडबैक आ जाए। डीसी जीओपी में जैसे ही ऑफ फीडबैक कमांड आया ये परमिट स्टार्ट हो जाएगा, ये मतलब स्टार्ट होने का परमिट आपको दे देगा। और प्रोटेक्शन में स्टॉप कब होगा, सेम सारे एओपी डीसी जीओपी एसी जीओपी सबका सेम रहेगा, फायर प्रोटेक्शन अगर एक्ट हो जाता है। फायर प्रोटेक्शन मतलब क्या, एमओटी का ऑयल लेवल अगर डिक्रीज हो जाता है तो आपका प्रोटेक्शन में इसमें स्टॉप कमांड चला जाएगा। तो दिस इज द इंटरलॉक प्रोटेक्शन ऑफ द एसी जीओपी। डीसी जीओपी का हम लोग इंटरलॉक प्रोटेक्शन देखते हैं, डीसी जीओपी ऑटो स्टार्ट कमांड कब जाएगा, जब एसएलसी ऑफ डीसी जीओपी ऑन एंड टरबाइन स्पीड लेस देन 510 आरपीएम। इसके साथ एक और लॉजिक लगा दिया है कि अगर जीओपी डिस्चार्ज हेडर प्रेशर लेस देन 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हो जाएगा, मीन्स तीनों लॉजिक का एंड है तो डीसी जीओपी में ऑटो स्टार्ट कमांड जाएगा। ये आपका क्या है, जब टरबाइन ट्रिप कंडीशन के लिए है कि आपका एसएलसी ऑफ डीसी जीओपी ऑन है, टरबाइन का स्पीड लेस देन 510 आरपीएम आ गया है तो सबसे पहले कमांड किसके पास जाएगा, एसी जीओपी के पास गया कमांड। मान ले कि एसी जीओपी आपका स्टार्ट ले लिया बट देख रहा है कि एसी जीओपी स्टार्ट तो हुआ है बट डिस्चार्ज हेडर प्रेशर अगर लेस देन 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर अगर हो गया तो डीसी जीओपी में कमांड जाएगा कि अब तुम स्टार्ट हो जाओ। वो देख रहा है कि एसी जीओपी चल तो रहा है बट वो प्रेशर जनरेट नहीं कर पा रहा है तो हेडर प्रेशर पे दे दिया है कि अगर हेडर प्रेशर 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जैसे ही कम डिक्रीज होता है तो डीसी जीओपी में ऑटो स्टार्ट कमांड चला जाएगा। ठीक है, और जैसे अगर डीसी जीओपी स्टार्ट हो गया आप एसी जीओपी को बंद कर सकते हैं। सेकेंड देखिए इसमें क्या है, आपका एसएलसी ऑन है, एसएलसी मतलब किसका, डीसी जीओपी का एसएलसी ऑन है, टरबाइन का स्पीड लेस देन 2800 आरपीएम है एंड एसी जीओपी का वोल्टेज फेल हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका एसएलसी ऑफ डीसी जीओपी ऑन है, ठीक है, और टरबाइन ट्रिप कर गया है, टरबाइन का आरपीएम 2800 से कम है तो सबसे पहला कमांड अगर 510 आरपीएम जाएगा तो पहला कमांड किसके पास भेजेगा, एसी जीओपी के पास।
लेकिन देख रहा है कि 2800 आरपीएम से कम है टरबाइन का, लेकिन एसी जीओपी का वोल्टेज फेल हो गया, तो फिर एसी जीओपी के पास कमांड नहीं भेजेगा वो स्टार्ट का, उतना वेट नहीं करेगा वो। जैसे ही स्पीड 510 आरपीएम आएगा तो सबसे पहले कमांड आपका डीसी जीओपी में ही जाएगा, क्योंकि आपने इस कंडीशन को देख लिया है कि एसी जीओपी का वोल्टेज फेल है तो आपका चला जाएगा। इसे 2800 आरपीएम से लेस देन पे दिया गया है तीनों लॉजिक, तो डीसी जीओपी आपका स्टार्ट हो जाएगा। एंड थर्ड क्या है कि एसएलसी ऑन है आपका, एंड एसी जीओपी का एमसीसी डिस्टर्ब हो गया है। मान लीजिए कि आपका एसी जीओपी चल रहा था, ठीक है, उसका एमसीसी डिस्टर्ब हो गया और ये ऑफ हो गया, एसी जीओपी ऑफ हो गया। तो जैसे ही एमसीसी डिस्टर्ब हुआ और एसी जीओपी ऑफ हो गया, ऑटो स्टार्ट कमांड चला जाएगा डीसी जीओपी में। ये आपका क्राइटेरिया कहां पे, स्टार्टअप क्राइटेरिया के लिए ऑटो स्टार्ट कमांड, ठीक है। ये तीन क्राइटेरिया है आपका, ये फर्स्ट दो क्राइटेरिया है आपका टर्बाइन ट्रिपिंग कंडीशन के लिए, और थर्ड क्राइटेरिया आपका है आपका स्टार्टअप कंडीशन के। दिस इज द बेसिकली लाइन डायग्राम ऑफ द हाइड्रोलिक जैक सिस्टम। ये आपका एमओटी है, एमओटी टैंक है, मेन ऑयल टैंक। यहां पर आपका एक एसी जीओपी पंप है, एक आपका डीसी जीओपी पंप लगा हुआ है। देखिए बोथ पंप जो है, एसी जीओपी हो या डीसी जीओपी पंप हो, ये जैक स्क्रू इमर्शन पंप होता है। इसमें थ्री स्पिंडल्स होता है, एक आपका प्राइम होता है, दो आपका ड्रिवेन होता है, मतलब एक ड्राइव स्पिंडल है और दो आपका ड्रिवेन स्पिंडल है, और वहां से आपका 178 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर निकलता है। तो इस लाइन में हम लोग देखते हैं कि आपका ये एसी जीओपी पंप है, इस लाइन में आपका एक एनआरबी लगा हुआ है, एक आपका नॉर्मल मैनुअल आइसोलेशन वाल्व है, और प्रत्येक लाइन में आप डीसी जीओपी की लाइन में भी देखिए या एसी जीओपी के लाइन में देखिए, सामने एक प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है। ये फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द हाई प्रेशर लाइन के लिए। जैसे ही इसका प्रेशर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होगा, उतना प्रेशर को क्या करता है, वो रिलीज कर देता है और टैंक में सप्लाई कर देता है, ठीक है। आपका यहां पे भी ये है एनआरबी, और एसी जीओपी वाले लाइन में भी एनआरबी लगा हुआ है। यहां से कॉमन डिस्चार्ज बनता है, कॉमन डिस्चार्ज हेडर के बाद आपका लाइन फिल्टर में जाता है। दो फिल्टर है, एक फिल्टर आपका सर्विस में रहता है, एक फिल्टर आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। यहां से फिल्टर से पास करने के बाद एक देखिए आपका प्रेशर लिमिटिंग वाल्व लगा दिया है। प्रेशर लिमिटिंग वाल्व क्या है कि आपका प्रेशर किसी भी रीजन से अगर 180 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो आपका लाइन में लीकेज आ जाता है। तो उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपका एक सिस्टम तो प्रेशर रिलीफ वाल्व तो दिया हुआ ही है, साथ ही साथ कॉमन डिस्चार्ज हेडर लाइन में एक प्रेशर लिमिटिंग वाल्व लगा दिया है कि एक सर्टेन प्रेशर से जैसे ही होगा वो आपका, ये भी आपका प्रेशर सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। जैसे प्रेशर बढ़ेगा, सर्टेन प्रेशर को क्या करता है, ऑयल को एमओटी में डिस्चार्ज कर देता है। मींस इस प्रेशर लिमिटिंग वाल्व का मेन फंक्शन है कि टू मेंटेन द प्रेशर इन द डिस्चार्ज हेडर लाइन। जैसे ही ज्यादा होगा ये डिस्चार्ज कर देता है टैंक में। यहां के बाद क्या होता है, आपका टोटल जनरेटर एंड टरबाइन में टोटल 7 बियरिंग है। सारे बियरिंग में आपका इंडिविजुअल सप्लाई लाइन है, टोटल 7 लाइन है। कोई एक भी लाइन का हम लोग देखते हैं, प्रत्येक लाइन में आप देखिएगा एक आपका थ्रॉटलिंग वाल्व रहता है। थ्रॉटलिंग वाल्व टोटल वाल्व दिया हुआ है और आपका एनआरवी दे दिया है। जितना भी 7 लाइन है, सारे लाइन में आप देखिएगा तो आपका थ्रॉटल वाल्व दे दिया है एंड एनआरवी दे दिया है। देखिए इसका काम क्या होता है, देखिए थ्रॉटलिंग वाल्व का आपका यूज क्या है, टू रेगुलेट द फ्लो टू द ईच बियरिंग, कि जैकिंग ऑयल का फ्लो कितना होना चाहिए। या आपका लूब ऑयल लाइन भी है, तो लूब ऑयल को कितना फ्लो करना है उसको एडजस्ट हम लोग करते हैं थ्रॉटलिंग वाल्व से। यह आपका फ्लो रिस्ट्रिक्शन वाल्व भी हम लोग इसको बोलते हैं। सेकेंड आपका एनआरबी यहां पे दिया हुआ है। एनआरबी का काम क्या है कि आपका हेडर से बियरिंग की तरफ ऑयल फ्लो तो होने के लिए देगा, लेकिन फ्रॉम द बियरिंग टू द हेडर आपको ऑयल फ्लो होने के लिए नहीं देगा। इस चेक वाल्व का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सपोज कि जब आपका हाइड्रोलिक जैकिंग सिस्टम सर्विस में नहीं है, तो ऑयल का फ्लो फ्रॉम द बियरिंग टू द हेडर नहीं होना चाहिए। उसको प्रिवेंट करने के लिए आपका यहां पे चेक वाल्व दे दिया है। मान लीजिए अगर यहां पे चेक वाल्व नहीं रहता तो आपका बियरिंग में तो प्रेशर रहता ही है, आपका टरबाइन का लोड है, लोड के कारण ऑयल में तो प्रेशर रहेगा ही, तो यहां से बैक फ्लो होने का चांस रहेगा। तो बैक फ्लो होके क्या होता है, इस हेडर को प्रेशराइज रखेगा
और उस हेडर से क्या होगा, अल्टीमेट आपका पंप में भी एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। ऐसे पंप में हर पंप के दिशा लाइन में एनआरवी दिया हुआ है कि मान लीजिएगा अगर एनआरवी काम नहीं करे तो अल्टीमेट वो ऑयल क्या होगा, पंप को प्रेशराइज करना शुरू करेगा। इसलिए इंडिविजुअल हर लाइन में आपका चेक वाल्व दे दिया है कि टू प्रोटेक्ट दिस डिस्चार्ज हेडर लाइन एंड प्रिवेंट द ऑयल कमिंग आउट फ्रॉम द बियरिंग टू दिस हेडर, उसको रोकने के लिए एनआरवी दे दिया है। तो जितना भी लाइन है सब में आपका थ्रॉटल वाल्व और एनआरवी दे दिया, जितना जिस बियरिंग पे जितना लोड रहता है उसी लोड के हिसाब से हम लोग फ्लो को एडजस्ट करते हैं और लिफ्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों ने देखा हाइड्रोलिक जैकिंग सिस्टम के बारे में, हाइड्रोलिक जैकिंग सिस्टम में कितना पंप होता है, किस प्रकार से उसका वर्किंग प्रिंसिपल्स है, कब उसका कट इन कट आउट क्राइटेरिया होता है, उसका इंटरलॉक प्रोटेक्शन क्या है, और हाइड्रोलिक जैकिंग सिस्टम का हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसमें हाइड्रोस्टेटिक बियरिंग एंड हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग कब कब रहता है, तो सारा डिटेल्स हम लोग इस वीडियो में देखे हैं। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपका रिप्लाई दूंगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।